बरसात के दिन आए, एज यू ऑल नो और वेदर की अपडेट लेके मैं ना हूँ ऐसा हो सकता है। तो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बरसात के मौसम जो है वो आ चुका है और वेदर अपडेट आप सभी को चाहिए होगी क्योंकि इस टाइम पे शिमला और मनाली घूमने कौन नहीं आना चाहता, वही सब आना चाहते हैं ना। बट आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिमला के वेदर की। तो गाइस वेदर कुछ ऐसा हो रहा है, ग्रीनरी, फॉग, बारिश, बीच बीच में धूप, ऐसा कुछ हो रहा है और आगे 5-6 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। तो अगर 5-6 दिनों के अंदर अंदर आप आ रहे हो ना तो अपने साथ थोड़े से वार्म क्लॉथ और एक पोपटलाल वाली छतरी लाना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं आपको बताऊंगी अभी जुलाई के वेदर के बारे में। तो गाइज बरसात के मौसम स्टार्ट हो चुका है तो बारिश तो होंगी ही, साथ में ये सुंदर सी ग्रीनरी और चारों तरफ फॉग भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो अगर आप शिमला घूमने की प्लानिंग कर रहे हो और आना चाहते हो जरूर आएं, और अभी ये अच्छा टाइम है घूमने आने का क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा गाइस जैसे जैसे आगे बरसात बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, फॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखने की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ना। प्लस अगर आप अकेले आ रहे हो या अपनी फैमिली को लेके आ रहे हो, छोटे बच्चे को लेके आ रहे हो, तो अपने साथ थोड़े से वार्म क्लोथ जरूर लेके आए, साथ में पोपटलाल वाली छतरी जैसा मैंने पहले भी बोला है ना। और अब बात कर लेती हूँ मनाली की। तो गाइज मनाली का वेदर शिमला से हमेशा ही थोड़ा सा ठंडा रहता है तो वहां पे मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है और वहां पे भी बारिश हो रही है, बीच बीच में धूप निकलती है बट उसका कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि क्या कहते हैं कि शिमला और मनाली के मौसम का तो गूगल को भी पता नहीं होता, यहाँ के लोग खुद बाहर जाके देखते हैं। थोड़ी देर पहले धूप लगी होती है और थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है तो मौसम का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट क्योंकि बारिशें होने वाली है, बरसात स्टार्ट हो चुकी है तो बारिशें डेफिनेटली होगी। तो गाइज मनाली की अगर मैं बात करूँ तो मनाली में भी वेदर ऐसा ही है, बारिशें हो रही है और अभी तो लैंडस्लाइड्स का इतना ज्यादा कुछ खास खतरा है नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है पर बीच में थोड़ी थोड़ी धूप वगैरह भी निकल रही है जिस वजह से इतना ज्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं हो रहे। बट जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे मनाली को जाते हुए या फिर शिमला को आते हुए ऐसे रोड जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं हर साल। तो अगर आप आना चाहते हो तो आने से पहले एक बार जरूर कमेंट कर लेना और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मतलब वेदर कैसा है और साथ में कहीं पे कोई ऐसी जगह पे लैंडस्लाइड्स तो नहीं हुआ जिस वजह से आप बीच में स्टक हो जाए, है ना। तो गाइज ये थी वेदर की अपडेट मेरी तरफ से जुलाई मंथ की और इस मंथ की जो कुछ दिन रहते हैं उसकी। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल लेट यू नो डेफिनेटली। बाकी मैं तो जा रही हूँ इस बरसात के मौसम में एक कप कॉफी पीने और आप लोग आएंगे आप लोगों का भी बहुत मन करेगा तो आप लोग भी पीना, आना, इंजॉय करना। ओके बाय।